हेलो एंड वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेकेस्ट क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो गया है। आई थिंक सब लोगों ने वो लेक्चर देख लिया और जितना भी नोट्स है वो लिख लिया होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे अबाउट लिगन, वेरियस टाइप्स ऑफ लिगन और सिंपली यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगन। ठीक है, इन आवर लास्ट लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट लिगेंड का टाइप्स बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। क्या क्या था? एक था जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव लिगेंड, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव लिगेंड। ओके, और जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है फिर भी क्या होता है लोन पेयर होता है तो उसको क्या बोला जाता है न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, और नोमेनक्लेचर भी बताया था, अगर पॉजिटिव होता है तो उसके लास्ट में IUM ऐड करना है, जैसे हाइड्रोजेनियम, और जिसके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसके साइड में क्या लिखना है ओ, जैसे क्लोराइड का क्लोरीडो, सल्फेट का सल्फेटो। ठीक है, और जो क्या था हमारा न्यूट्रल था, मतलब चार्जलेस न्यूट्रल, न्यूट्रल का कोई क्या नहीं था स्पेशल सफिक्स प्रीफिक्स नहीं था। उन लोगों को डायरेक्टली जो ट्रेडिशनल नाम है, जो पुराना नाम है वो यूज़ करना है। जैसे वाटर, वाटर देखो वाटर है और इसका नाम क्या बोला था मैंने, इसको एक्वा कहा जाता था, एक्वा। ठीक है, हो गया। जैसे कार्बन मोनोक्साइड को क्या कहलाता था, कार्बन मोनोक्साइड इज नोन एज व्हाट, कार्बोनिल। ओके, तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी करके चलो आज का टॉपिक जो क्या है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, इस डेंटिसिटी के ऊपर में बेस करके लिगेंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से टेल यू प्लीज़ टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू राइट द नोट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट एवर आई विल एक्सप्लेन हियर। ठीक है, ओके, और क्या करना है इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक देखने से ही पूरा टॉपिक को समझ में आएगा, होगा। तो चलो स्टार्ट। तो इस टॉपिक को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, व्हाट इज डेंटिसिटी, ये डेंटिसिटी होता क्या है। ठीक है, सबने तो लाइफ में कभी ना कभी डेंटल, मतलब डेंटिस्ट के पास गए होंगे। डेंटिस्ट क्या करता है, तुम्हारे दांत को ऐसे उखाड़ के लाते हैं, है ना। मतलब तुमने अगर किसी जो चीज़ को खाना नहीं चाहिए, सपोज़ चॉकलेट खा लिया, सपोज़ तुमने बिस्कुट ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा, दांत के अंदर में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तुम ये डेंटिस्ट के पास क्यों बोल रहा हो, बिकॉज दिस टर्म डेंटिसिटी इज़ रिलेटेड टू आवर टीथ। ठीक है, दिस डेंटिसिटी ऑर्ड इज डेराइव फ्रॉम ए लेटिन ऑर्ड और इसका नाम है डेंटिस। क्या है ऑर्ड, डेंटिस एक लेटिन ऑर्ड है और जिसका मीनिंग है टीथ। ठीक है, जिसका मीनिंग है टीथ। ओके, मतलब टीथ क्यों है। ओके, तो एक एग्जांपल लेके दिखाता है, सपोज दिस इज व्हाट NH3, ये क्या है NH3 है और इस NH3 के पास एक लोन पेयर है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास कुछ भी नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है एक लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, कोई भी मेटल जिसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है और सिंपली व्हाट ट्रांजिशन मेटल, जो क्या फॉर्म कर सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और उसको बाइट करेगा, बाइटिंग। ठीक है, तो डेंटिसिटी का मीनिंग सिंपली बाइटिंग भी बोल सकते हो, बाइटिंग साइट। ओके, तो इसलिए इस एमोनिया के पास बाइटिंग साइट कितना है, एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका डेंटिसिटी कितना होगा, 1। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेंटिसिटी का डेफिनेशन, देख लो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंटिसिटी। ओके, तो चलो इस मतलब बेस्ड अपॉन दिस डेंटिसिटी हाउ कैन वी डिवाइड दिस, क्लासीफाई दिस व्हाट लिगेन। चलो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डेंटिसिटी है ना, डेंटिसिटी इसको एक ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं काप्पा, क्या है काप्पा, इस काप्पा से डेनोट किया जाता है। ओके, काप्पा से डेनोट किया जाता है। सपोज
एक है कप्पा वन एन एच थ्री, इसे करके डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो एमोनिया है इसका डेंसिटी कितना है, एक है। सपोज के सिक्स ई डी टी ए, ठीक है, एक ई डी टी ए भी एक क्या होता है, लिगैंड होता है, और ये देख के तुम बोल सकते हो इसका डेंसिटी कितना है, सिक्स है। ओके, तो व्हाट कैन यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर डेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय ए ग्रीक वर्ड, इट इज कप्पा। ओके ओके, ठीक है, और यहाँ पे अगर डेंसिटी एक है मतलब इसका बाइंडिंग साइड कितना है, एक है, मतलब इसका एक ही साइड में किसी कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन ये जो ई डी टी टी है, ई डी टी ए, ये कितना साइड में कर पाएगा, सिक्स साइड में कर पाएगा। ओके, तो बेस्ड अपॉन दिस डेंटिसिटी वी कैन क्लासीफाई दिस लिगेंड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज, टू कैटेगरीज, वन इज मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड जिसका डेंटिसिटी क्या होगा, ओनली एक होगा, उसको क्या कहा जाएगा, मोनोडेंटेड, और जिसका बहुत सारा होगा उसको पोली और मल्टी, और मल्टी डेंटेड लिगेंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है, और लिख भी रहे हो, लिख लो लिख लो, लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। साइंस में थ्री सीस याद रखना है, इफ़ यू आर ए साइंस स्टूडेंट यू हैव टू डू थ्री थिंग, वन यू हैव टू लिसन योर टीचर व्हाट ही इज टेलिंग यू, ओके, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू राइट, ओके, और उसके बाद क्या करना है, देखो ये लिखना बाद में लिख सकते हो, लेकिन सबसे सेकेंड थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब सुन, सबसे पहले सुनना है, उसके बाद उसको समझना है, उसके बाद लिखना है। अगर सुनना, लिखना और समझना, ये तीनों क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, एक साथ हो गया ना, देन ओनली तुम्हारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग, वो क्या होगा, बहुत ऊपर में होगा, और तुम बहुत इजीली क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, मतलब क्लास में मैक्सिमम पढ़ाई हो जाएगा, घर में थोड़ा पढ़ने से भी होगा, इसलिए ट्राई टू बी कंसेंट्रेटेड इन योर क्लास। ओके, तो चलो हम लोग फिर से चलते हैं हम लोग का टॉपिक में, सबसे क्या है, मोनोडेंटेड, और नेक्स्ट क्या है, पोलीडेंटेड। तो मोनोडेंटेड का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो क्या लिखा है, ओनली वन डोनेशन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड। एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो, जैसे हम लोगों का वाटर है, NH3 है, ठीक है, CO है, ये सब क्या है, मोनोडेंटेड है, क्योंकि इन लोगों के पास बाइंडिंग साइड ओनली एक ही है। ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ClO3 नेगेटिव, इसका नाम क्या बोला था मैंने, कार्बोनेट, और ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, देखो लिख दिया कार्बोनेटो, ठीक है, और उसी तरह अगर क्लोरीन होगा ये क्या होगा, क्लोरीडो। तो ये सब में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डेफिनेशन हो नोट्स में प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अगर ये सब लिगेंड कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, उन लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, K4Fe CN6, इसका डेंटिसिटी कितना है, एक ही है, इसका डेंटिसिटी एक ही है, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, लेकिन कितना है यहाँ पे, ये लिगेंड कितना है, सिक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सिक्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू फाइंड आउट द CN कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट चेक वेदर इट इज मोनोडेंटेड, ट्राई टेट्रा और ऐसा करके, ये तो क्या है, मोनो है तो वन पुट करना है, उसके बाद ये कितना है, सिक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स। तो सिंपली दिस क्वेश्चन डायरेक्ट JEE में या नीट में पूछ देता है, आई थिंक सबको मोनोडेंटेड लिगेंड समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ये जो पोली और मल्टीडेंटेड लिगेंड है उन लोगों को इन डिटेल्स एक्सप्लेन करने यहाँ पे करने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोलीडेंटेड का हम लोग देखते हैं, बाईडेंटेड, बाईडेंटेड
ठीक है, बाय, बाय मतलब क्या है, टू, बाय मतलब क्या है, टू, इसको डाइडेंटेड भी बोल सकते हो। मैंने डेफिनेशन लिख दिया वहाँ पे, देखो, टू डोनेशंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड। हाउ मेनी डोनेशन, टू डोनेशन। देखो मैंने कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले जो फेमस है उसको बोलता है ईएन, और ईएन का फुल फॉर्म क्या है, ईएन का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन, इथाइलिन डायमाइन, ओके हो गया। तो इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो इथाइलिन मतलब इसमें दो ऐसा करके मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद डायमाइन मतलब एमाइन कितना है, दो है, एक हो गया एमाइन और ये हो गया एमाइन, ठीक है। तो देखो ये जो एमाइन है ना, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर है, तो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ टू टू साइट, ओके, मतलब इसका दो एटम, इसका दो डोनर एटम है। सो द डेंटिसिटी ऑफ दिस लिगेंड विल बी सिंपली टू, ओके। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, सपोज कुछ मज़ेदार एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज पीएन, पीएन, पीएन का मतलब क्या होगा, प्रोपाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन, डायमाइन, ठीक है। तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, प्रोपाइलिन मतलब इसमें सी एच टू ग्रुप कितना है, एक दो और ऐसा करके तीन है, लेकिन ये क्या है, डायमाइन है, मतलब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एच देके यहाँ पे एन एच टू लगाओ और यहाँ पे एन एच टू लगाओ, तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, हो गया। अगर जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, गॉट इट। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइलिन डायमाइन, सेम थिंग, इट ऑल्सो हैव हाउ मेनी बाइंडिंग साइट, टू बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो दिस विल बी ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, ओके। तुम लोग घर में ट्राई करना, एक है सपोज, हाँ सपोज टी एन ट्राई, ठीक है, ट्राइमिथाइल डायमाइन, हो गया। और एक लो, सो ट्राइमिथाइल के स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, सी एच टू मैंने जो बोला था वो बोला सी एच टू, हो गया। तो क्या करो, इसमें एक एमाइन लगा दो और इसमें एमाइन लगा दो, उसका इसका डिफरेंस क्या है, ये है इथाइलिन ग्रुप और प्रोपाइलिन ग्रुप, बट दिस इज व्हाट ट्राइमिथाइल, अंदर में दोनों फंक्शनल ग्रुप के अंदर में कितना मिथाइल होना पड़ेगा, थ्री, वन टू थ्री, हो गया। तो इसके भी सेम ही है, गॉट इट। तो ऐसा करके और भी हो सकता है, तो और भी एक जो मज़ेदार जो फेमस एग्जांपल है वो ले लेता हूँ, सपोज ओ सी टू ओ फोर टू नेगेटिव, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड से आया, तो ऑक्सैलिक एसिड लिखो, सपोज ये क्या है, दिस इज इसके पास भी दो बाइंडिंग साइड है, तो ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो फॉर्म, इसका दो दांत से काट सकता है, इसका दांत कितना है, दो है, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ओके। ऐसा करके और भी बहुत सारा एग्जांपल है, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो उसमें तुम्हें मिल जाएगा बहुत ही सारा ऐसा करके एग्जांपल, मज़ेदार एग्जांपल मिल जाएगा। देखो सपोज आई थिंक दिस इज यू नो, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पाइरीडीन, दिस इज कॉल्ड पाइरीडीन। देखो इसमें लोन पेयर कितना है, एक है, कितना लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। तो नॉर्मली पाइरीडीन इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन मैंने अगर क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, यहाँ पे क्या, अभी देखो कितना लोन पेयर आ गया, दो आ गया, और ये क्या कर सकता है, दो बाइंडिंग साइट फॉर्म कर सकता है, ठीक है, मतलब इसका दांत कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, इसका नेम होता है डाइपी, इसको शॉर्टकट में डाइपी बोला जाता है, डाइपी, डाइपी का फुल फॉर्म क्या है, डाइपी का फुल फॉर्म होता है डाइपाइरिडिल, डाइपाइरिडिल,
डिल, पाइरीडीन से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई पाइरीडिल। ठीक है, ऐसा और भी मतलब बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है, यू कैन ट्राई एट होम, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको घर में करना है। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो नाउ वील से व्हाट इज ट्राइडेंटेड, मतलब ट्राइडेंटेड कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली द नेम सिंपली इम्प्लाइज इट हैज व्हाट, थ्री बाइंडिंग साइट। ओके, हाउ मेनी बाइंडिंग साइट, 1, 2, 3 बाइंडिंग साइट। देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया, जो फर्स्ट एग्जांपल है इट इज कॉल्ड डाइन, डाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाइएमाइन। तो अगर ये इथाइलिन डाइएमाइन देखोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म बाइंड हियर एंड इट ऑल्सो हैव ए बाइंडिंग साइट एंड इट ऑल्सो हैव ए बाइंडिंग साइट। ओके, सो दिस इज हाउ मेनी बाइंडिंग साइट, 1, 2, 3। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी क्या है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो हाउ मेनी बाइंडिंग साइट इज देयर, 3 बाइंडिंग साइट। सो दिस टू डाइन एंड IMDA, IMDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इमिनो डाइसिटेट, दिस टू ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो आई थिंक सब लोगों को जो ट्राइडेंटेड लिगेंड था वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक टेट्राडेंटेड लिगेंड लिया। टेट्रा मतलब क्या है, 4, मतलब इन लोगों का बाइंडिंग साइट और जो डोनेटिंग साइट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 डोनेशन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड ओनली, नॉट मोर देन 4 और लेस देन 4, ओनली 4। ठीक है, 4 है, 4। ठीक, तो चलो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं, ट्राइन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइन। तो ट्राइन का फुल फॉर्म अगर तुम्हें एग्जाम में दिया गया है, व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ ट्राइन, तो अगर तुम्हें उसका फुल फॉर्म पता है तो ऑब्वियसली इजीली यू कैन गेट द आंसर, ट्राई इथाइल टेट्रा एमाइन, ट्राई इथाइल टेट्रा एमाइन। देखो यहाँ पे इथाइल कितना, अगर ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें एमाइन कितना है, 1, मतलब यहाँ से बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से डोनेट कर सकते हैं और यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक मेटल ले लिया, देखो इस मेटल के साथ कितना साइड से बॉन्ड फॉर्म हुआ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो दिस इज ए टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक उसी तरह और भी एक एग्जांपल है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और जो आप लोगों का लेवल के लिए मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, आप सीख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। NTA3-, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइनाइट्राइट्रो, ठीक है, नाइट्रिलो ट्राइसिटेट, देखा बोलने में दिक्कत हो रही है, नाइट्रिलो एसीटेट। ठीक है, अगर ये नाइट्रिलो एसीटेट, उसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, इसका भी क्या होता है, टेट्राडेंटेट होता है, ये भी टेट्राडेंटेट होता है। और इसके लिए हम लोगों का बोर्ड लेवल में इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर दोस हु आर एमिंग टू क्लियर जेई एडवांस, आप लोगों को ये जरूर सीख लेना चाहिए। और मैं जो राप कर देता हूँ ना, उसका पहले लिख लेना, ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा तो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना और क्या क्या है जहाँ पे लिखना है वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पेंटा है उनका एक एग्जाम्पल देखेंगे। पेंटा, पेंटा मतलब क्या है, पास। तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल वो जस्ट ये देखो, EDTA, देखो EDTA से कॉम्प्लेक्स, EDTA से मतलब क्या नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव दिया गया है तो ये क्या होगा, पेंटाडेंटेट। अगर 6, देखो हेक्सा ले लेता हूँ एक, मैंने अगर हेक्सा मतलब इसमें क्या होगा, 6 होगा। इसका एग्जांपल भी क्या होता है, EDTA ही होता है, EDTA। ठीक है, और इसका क्या होता है, 4 नेगेटिव होता है, इतना ही डिफरेंस है। तो मेरे मुझे सबसे पहले बताओ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, जल्दी जल्दी बताओ, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होगा इथाइलिन डाइएमाइन ट्राइसिटेट, इथाइलिन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट,
ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर द नेम, इथाइलिन ट्राईमाइन ट्राईएसीटेट। ठीक है, तो ये था सिंपल कुछ मतलब टाइप। इसके अलावा भी और भी लिगेंड हो सकता है, हम लोग उसके बारे में भी धीरे धीरे सीखेंगे, बट एज द लेसन इज गोइंग टू बिकम लेंथी वन, सो मेरा मकसद नहीं है कि लेसन थोड़ा लंबा हो जाए एंड यू फील बोर आफ्टर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, सो आई विल कंक्लूड इट फॉर टुडे, सिंपली दैट्स इट फॉर टुडे। इसलिए क्या करना है, आपको घर में पढ़ना है, कोई भी एक बुक उठा लो, एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस भी उठा लो, ठीक है, उसे देखो, वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो और किसी और अच्छा यूट्यूबर का वीडियो भी देखो, ठीक है, बस सीखो। मुझे हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।